ब्राह्मण वर्ग है धम्मपद के अंदर, तो फिर वहां चमार वर्ग भी होना चाहिए, वहां क्षत्रिय वर्ग भी होना चाहिए, वहां शूद्र वर्ग भी होना चाहिए, वहां पे लोधा वर्ग भी होना चाहिए, वहां माली वर्ग भी होना चाहिए, वहां महार वर्ग भी होना चाहिए। कांशीराम जी के जो चेले हैं वो तमाम भारत में बिखरे पड़े हैं और सभी ने मान्यवर कांशीराम जी से एक बात बड़ी अच्छी सीखी है। वो बात है लाइन की। आपने सुना होगा कि जिसकी लाइन लंबी हो जाएगी वही आगे बढ़ जाएगा। उनका हर चेला अपने भाषण में या कभी बहस करेगा या कभी उससे ये कहेंगे कि भाई जब तक सब लोग संगठित नहीं होंगे हमारा उद्धार नहीं हो सकता, हमारे सारे अधिकार जा चुके हैं, इकट्ठे होंगे तो अधिकार आ जाएंगे, कृपया करके आप सब जितने कांशीराम जी के चेले हैं वो इकट्ठे हो जाएं। तो जवाब में उनके चेले कहते हैं कि साहब मान्यवर कांशीराम जी ने एक बात कही थी कि काम करे जाओ, जो ज्यादा काम करेगा, जिसकी ज्यादा लंबी लाइन हो जाएगी वो आगे बढ़ जाएगा। सब ने ये बात पकड़ रखी है। उनके पास साहब कांशीराम जी के शब्दों के बहुत सारे भान हैं और जब हम उनसे ये पूछते हैं कि साहब कांशीराम जी ने ये सबको इकट्ठा क्यों किया, क्यों वो संगठित करना चाहते थे, क्यों उन्होंने बहुजन संगठक के नाम से एक पत्र बनाया, अगर सबको अलग अलग ही काम करना था या ऐसी ही बात उन्होंने बताई थी तो फिर संगठित करने का संगठन का फायदा क्या है, तो वो बड़े जोश से कहते हैं कि हम संगठित कर तो रहे हैं, हम सबको कहते हैं कि आप संगठित हो जाओ। अरे भाई आप 50 चेले, 100 चेले, 200 चेले, 500 चेले, 1000 चेले, 10000 चेले अलग अलग अगर संगठित करोगे और खुद संगठित नहीं होगे तो मान्यवर साहब कांशीराम जी का मजाक तो नहीं उड़ा रहे हो आप, उनकी बातों का, उनके विचारों का भद्दा मजाक तो नहीं कर रहे हो आप, क्योंकि जिस मान्यवर ने सबको इकट्ठा करने के लिए अपनी जीवन की पूरी मेहनत लगा दी आप उनके सिद्धांतों को तोड़ मरोड़ के लोगों को बता तो नहीं रहे हो। कैसे संभव है कि अगर सब अलग अलग काम करेंगे तो कोई उद्देश्य प्राप्त होगा, क्योंकि अभी तक तो लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जो लोग हैं वो जितने ज्यादा इकट्ठे होते हैं उतना ज्यादा सिस्टम कारगर होता है और उतनी उनकी बात बहुमत से ज्यादा मानी जाती है। समय समय की बात है, जैसा कि लोग बताते हैं कि मान्यवर साहब कांशीराम जी महाराष्ट्र में थे और महाराष्ट्र में उन्होंने नेताओं को बड़ा रिक्वेस्ट किया, बहुत कहा कि आप सब इकट्ठे हो जाओ और महाराष्ट्र के जितने लीडर थे उस समय के वो नहीं इकट्ठे हुए, तो उन्होंने अकेले काम करने का सोचा क्योंकि इसके अलावा कोई और ऑप्शन था भी नहीं। मगर आप तो मान्यवर साहब कांशीराम जी के चेले हो, आप तो उनकी उस पीड़ा को समझते होगे, उस बात को समझते होगे कि उन्होंने पूरी ताकत लगाई महाराष्ट्र के अंदर के सभी धड़े जितने भी हैं वो इकट्ठे हो जाएं। यानी पहले उन्होंने सबको इकट्ठे करने की कोशिश की ना, जब सबको इकट्ठे करने की कोशिश में फेल हो गए, बेवकूफ लोग इकट्ठे नहीं हुए, तब उन्होंने काम किया और तब उन्होंने कहा कि जिसकी लाइन लंबी होगी लोग उसके पीछे आ जाएंगे, मगर पहले उन्होंने सबको इकट्ठा करने की कोशिश की। तो आपको अपने गुरु से कुछ सीखना चाहिए। आपके गुरु का जो पहला स्टेप था वो था सबको संगठित करने का, जब इसमें कामयाबी नहीं मिली तो दूसरा स्टेप उठाया। अभी जो छोटे 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 जो संगठन हैं जो आप लोगों ने बना रखे हैं उनकी छोटी छोटी लाइन है, अगर आप अपनी लाइनों को मिला देंगे तो बड़ी लाइन बन जाएगी तुरंत। तो इतनी अकल तो साहब कांशीराम जी के चेले में होनी चाहिए, चेला है आखिर, कोई बेवकूफ थोड़ी है।
ये छोटी छोटी लाइन मिला के अगर तुरंत बड़ी लाइन बनती हो तो कोई बेवकूफी होगा जो 20 साल और 30 साल इंतजार करके कहेगा कि मैं बड़ी लाइन खींचूंगा बड़ी लाइन खींचूंगा बड़ी लाइन। अरे लाइन खींचने का खेल नहीं चल रहा है, ये आपातकाल है, इमरजेंसी है। साहब कासीराम जी ने जब काम शुरू किया था तब अधिकार सुरक्षित थे, उस समय सबसे ज्यादा सरकारी कर्मचारी थे भारत में, एससी एसटी और ओबीसी के तो खैर बाद में जुड़े हैं, और आज की डेट में सारे कर्मचारी एससी एसटी के जा चुके हैं, वो पेंशन भी खत्म हो जाएगी और उनके बच्चों को अब कोई नौकरी है नहीं। तो समय नहीं है, जितने अधिकार बाबा साहब लेके आए थे वो उस समय तक थोड़ी बहुत अवस्था में अच्छे थे जब साहब मानव काशीराम जी ने काम शुरू किया था। अभी आपको इतना समझ आनी चाहिए कि इस आपातकाल में ये जो आपने छोटे छोटे संगठन छोटी छोटी लाइन बना रखी हैं, इनको सबको मर्ज करके, इनको विलय करके, इनको सबको एक साथ ड्रम में डाल के घोट के एक संगठन बना लेना चाहिए। और अगर आप में संगठित होने की क्षमता नहीं है, आप संगठित होना नहीं जानते हैं, आप में ये काबिलियत नहीं है कि आप खुद इकट्ठे हो सकें, आप में सिर्फ एक ही काबिलियत है कि लोगों को इकट्ठा करना है, आप में ये काबिलियत नहीं है कि खुद भी इकट्ठा होना है, तो आपको तुरंत संगठन को छोड़ देना चाहिए और अपने आप को साहब मान्यवर काशीराम जी का चेला कहना बंद कर देना चाहिए। ये जो नए नए स्टाइल में लोग नई नई पोशाकों में जो मान्यवर साहब काशीराम जी का सीने पर हाथ रख के कसम खाते हैं, ये झूठी कसम है, धोखा है। जो उनको जानते हैं, जो उनको समझते हैं, उन्होंने कितने सारे लोगों को संगठित किया और उनके चेलों ने मान्यवर साहब काशीराम जी के इस संगठन के फिर टुकड़े कर दिए और अपनी अपनी ढपली और अपना अपना राग लेके लगातार बाबा साहब अम्बेडकर के जितने भी लाए हुए अधिकार थे वो सारे के सारे अपनी आंखों के सामने अपने हाथों से उनको बिखेर दिया, खत्म कर दिया। धन्यवाद। आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं और आपको लगता है कि धम्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में किताब में छापनी चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है, ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे या अपने हैंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं, आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं। इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आप इसको अपना मान के चलाएं, क्योंकि धम्म सबका है। हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद। Gachami Tatiyam Pidhammam Gachami.
आमेस मिठटा रबिर मने सिखाप धिंग्स माध्यामी आमेस मिठटा रबिर मने सिखाप धिंग्स माध्यामी।